हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनका सलूशन मैं देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन 2018 का पेपर है, आपको दिख भी रहा होगा, ये मैं आज आप लोग के सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपके प्रीवियस ईयर से पूछ लिया जाता है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, सेम क्वेश्चन भी रहता है और आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करके एग्जाम में जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन बोलता है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मिसेज बी आर फ्रेंड्स। मिस्टर ए और मिस बी जो है ये दोनों क्या फ्रेंड है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे इज इग्नोरिंग ए लीप ईयर। लीप ईयर को इग्नोर कर दें तो उनका बर्थडे जो है डिफरेंट होने का चांस क्या होगा, ए मान लेते हैं। तो मान लेते हैं मिस्टर ए का बर्थडे कब है सर, एक दिन, कितना है 300, लीप ईयर तो नहीं बोला गया, तो कितना टोटल डे आपका 365 है, 365 डे है, 365 डे। तो मानते कि मिस्टर ए का कोई एक दिन हम ले लेते 365 दिन में, एक दिन क्या हो गया मिस्टर ए का बर्थडे। तो मिसेज बी का बर्थडे आने का चांस क्या हो जाएगा, 364 डेज हो जाएगा, 364 डेज आएगा। मीन्स कि आपका जो डिफरेंट होने का संभावना है कि एक दिन कोई हो गया तो 364 तो अलग हो जाएगा, फिर 364 डे में ये आपका हो सकता है। तो अलग होने का क्या हो जाएगा आपका जो बर्थडे, ठीक है। द प्रोबिलिटी डैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, ये रिक्वायर्ड प्रोबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आपके हो जाएंगे 364 टोटल डेज कितना है 365। मीन्स की मानो कि मिस्टर ए का या मिस्टर बी का कभी एक डे का बर्थडे था, एक दिन मान लेते कोई एक दिन था, तो 364 डेज तो बच गया, ये डिफरेंट हो सकते हैं। ये डिफरेंट पूछा ना, सेम तो नहीं पूछा, डिफरेंट पूछा, तो क्या हो जाएगा 364/365 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन मेरा क्या सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू बोलता है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। थ्री सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या, मीन मीडियन मोड है सर। तो मेरा क्या पता है कि मोड बराबर, क्या फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन होता है, थ्री मीडियन माइनस टू मीन होता है सर। तो यहाँ पे देखो कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं टू मीन को इधर लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा टू मीन प्लस मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री मीडियन हो जाएगा सर। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मीन्स की दो माध्य प्लस बहुलक इज इक्वल टू थ्री माध्यिका का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका बोलता क्या, एक कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। ए चाइल्ड रिसेप इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेयर देन द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज। क्या बोलता है एक कौन है सर, किसका आपका मॉडलिंग क्ले, जो क्ले होता है मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, क्ले आपका एक प्रतिरूपण मिट्टी का बना हुआ है जो क्या है आपका कौन का शेप है, जो इसका हाइट जो है सर, हाइट एच जो है, एच कितना 24 सेंटीमीटर है, और जो इसका बोला बेस का रेडियस जो है, रेडियस जो है कौन का कितना है सर, कौन का रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर है। अब बोलता है क्या कि कोई एक बच्चा उसे क्या करता है, रिशेप कर देता है, जो कौन है कौन को किस में आपका चेंज कर देता है, एक स्पेयर में, क्या बनाता है स्पेयर बना देता है। तो स्पेयर का रेडियस क्या होगा ये हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना, जितना वॉल्यूम ऑफ कौन होगा सर, वही तो इसको रिसेप किया ना, रिसेप यही तो वॉल्यूम को रिसेप कर दिया, किसमें सिलेंडर क्या इसमें स्पेयर में, तो स्पेयर में कर दिया, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr² एच हो जाता है, इज इक्वल टू आपका वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 πr³ हो जाता है, πr³ हो जाता है। तो यहाँ से r क्या, कैपिटल r माने ना, तो कैपिटल r डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आप क्या हो जाएगा 4r³ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या r² कितना है सर 6, तो 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 6 हो जाएगा, इंटू क्या एच कितना है सर 24 है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा r³ इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 6 × 6
6 × 6 × 24 बाय क्या हो जाएगा, बाय हाफ का ये 4 क्या मल्टीप्लिकेशन में है सर, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवीजन में हो जाएगा, तो 4 क्या डिवीजन हो जाएगा, तो 4 × 6 क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएंगे। तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 का क्यूब हो जाएगा। अगर आपका क्या पावर सेम हो जाता तो क्या बेस भी मेरा जो रेडियस बेस भी है वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, आर मेरा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है क्या, इफ टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इन टू इन, दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है सर, ये दोनों को क्या ज्वाइन करते हैं इन टू इन ज्वाइन कर देते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्वेड, तो आपके रिजल्टिंग क्वाड जो बना उसका आपका सरफेस एरिया क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ये मानो एक क्यूब है सर, ये मेरा एक क्यूब क्या है क्यूब है, इसको दो क्वाड क्यूब मान लेते हैं, दो क्यूब यहां से आपका दो क्यूब है, एक क्यूब क्या वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब और एक का क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम पहले क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब से कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है सर आपका साइड का क्यूब होता है, एक क्यूब हो जाएगा तो आपका कितना है 64 है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक क्यूब हो जाएगा, आपका एक क्यूब हो जाएगा। तो ये किसका सर 64 फोर का क्यूब है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, तो यहाँ क्या है एक क्यूब, अगर पावर सेम हो गया तो बेस मेरा क्या हो जाता है सेम हो जाता है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, मेरा साइड कितना निकल गया क्यूब का 4 सेंटीमीटर। अब होता है दो क्यूब है, दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं, मीन्स कि एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए कुछ इस तरह का आपका ज्वाइन हो जाएगा सर, इसके बगल में ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, एक क्यूब ए आपका ए है और एक क्यूब आपका ए वाला है, है ना, तो ये दोनों को ज्वाइन कर देते तो ये आपका क्या 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आपका, ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर रहेगा और हाइट भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, खाली लेंथ क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा लेंथ मेरा 4 × 4 = 8 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्वाड, जो मेरा क्वाड दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो मेरा सरफेस एरिया क्या होगा ये हमें निकालना है सर। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका होता है सरफेस एरिया ऑफ क्वाड का फॉर्मूला क्या होता है टू होल लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट इन प्लस हाइट इंटू लेंथ हो जाता है सर, हाइट इंटू लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 × क्या हो जाएगा एल कितना है सर, लेंथ मेरा 8 है, 8 × ब्रेथ कितना है 4 है, 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ कितना है सर 4 है और हाइट कितना है 4 है, 4 × 4 हो जाएगा, प्लस हाइट कितना है 4 है सर, हाइट 4 है और लेंथ कितना है, लेंथ मेरा लेंथ 8 है, तो ये हम पुट कर दिया, आप सॉल्व करेंगे 2 × 2 × 4 = 32 प्लस 4 × 4 = 16 प्लस आपका 8 × 4 = 32। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × ये दोनों को ऐड करेंगे 32 + 32 = 64 + 16 क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 80 हो जाएगा, 80 × 2 क्या आ गया आपका 160 आ गया, क्या गया 160 आ गया। तो आपके टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा रिजल्टिंग क्वाड का वो क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर² हो जाएंगे, मीन्स कि क्या करना था दो क्वाड था क्यूब दिया था, दो क्वाड के बीच वॉल्यूम क्या 64 सेंटीमीटर³ दिया था, वहां से हम क्या किए वॉल्यूम से साइड निकाल लिए, साइड जब निकला सर क्यूब को अब इंड टू इंड जोड़ दिए, दोनों क्यूब को इंड टू इंड क्या किए जोड़ दिए, जब लेंथ मेरा चेंज हो गया लेंथ कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, बाकी ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजमेंट नहीं हो गया, फिर क्या किए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला यूज कर दिए, उसके बाद हम आंसर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिए सर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव आपका बोलता है क्या, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा जिसका सर्कमफेरेंस सर्कल का सर्कमफेरेंस दे दिया गया है सर, कितना दिया हुआ है 22 दे दिया गया है, तो क्या हो जाता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr होता है सर, तो क्या लिख सकते हैं 2πr की जगह पे 2πr इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 22 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 22 लिख सकते हैं, 22 लिखे तो 2 × 2 पाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं 22 रख सकते हैं, भाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा इज इक्वल टू 22,
अब क्या हो जाएगा सर, 22 से 22 कैंसिल, ठीक है। आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर इजिकल टू 7 इधर डिवीजन में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा राइट साइड में मल्टीप्लेक्शन में, और आपका 2 क्या है इधर मल्टीप्लेक्शन में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में। तो आर मेरा कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गया सर। आप क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर बाय क्या हो जाता है 4 हो जाता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाता है। पाई कितना दिया हुआ है सर, 22/7 दिया हुआ है, 22/7 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 इंटू आर कितना दिया निकालें सर, 7/2 क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा सर, 7/2 इंटू 7/2 क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा क्या हो जाएगा आपका 2 11 जा 22, तो आपके क्या आ जाएगा बच्चे, आपके यहाँ से बचा 11 7 जा 77 बाई 4 2 जा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका बोलता है इन द फिगर आपका दिया हुआ, देख लो कि पीटी और टीक्यू क्या है टेंजेंट है, ओपी और ओकी क्या है रेडियाई है, और एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना 110 डिग्री दे दिया हुआ है। इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, टीपी और टीक्यू क्या है आपका टेंजेंट है, दोस्त टेंजेंट है जिसका सेंटर ओ है। एंगल पी ओ क्यू मेरा क्या दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है सर, 110 डिग्री दिया हुआ है। देन एंगल पी टी क्यू क्या होगा ए हमें निकालना है, तो ये आपका क्या पी टी और पी पी क्यू टी क्यू क्या है सर आपका टेंजेंट है, और आपका क्या जो अगर पी टी और पी क्यू मेरा टी क्यू टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल है क्योंकि कॉमन पॉइंट से बना हुआ है, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक सर्कल पे, तो ये टेंजेंट क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटर का अपोजिट एंगल जो होगा पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, ये दोनों का सम कितना हो जाता है सर आपका वो 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री होता है। ए एंगल और ए एंगल मेरा कितना सम जो होता है 180, तो मेरा ए एंगल कितना 180 दिया हुआ है, सॉरी 110 दिया हुआ है, तो 180 में 110 घटाएगा तो कितना बचेगा 70 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा दोनों का समीशन 180 होता है, 180 में 10 घटा देंगे कितना बचेगा ये वाला एंगल बचेगा कितना 70 डिग्री, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर इज इन मीटर में निकालना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कि आप मानो सर एक टावर है, ये टावर मान लेते हैं ए और इसका फुट जो है टॉप बी है और फुट पे ए है। अब क्या बोलता है कि ए से फुट ऑफ द टावर, फुट के टावर से दूरी पे कितना दूरी पे 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर पे बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर पे कितना बन रहा है सर 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें पूछा कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हाइट ऑफ टावर क्या बनेगा, वो हमें हाइट ऑफ टावर क्या होगा ये निकालना है। मीन्स की क्या बोला है, टावर है, एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो ग्राउंड के एक पॉइंट से आपका टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो आपका फुट ऑफ टावर से ग्राउंड का पॉइंट जो है कितना दूरी पे है 30 मीटर पे, कितना दूरी है 30 मीटर पे, तो हमें हाइट ऑफ टावर क्या होगा ये निकालना है सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है सर, परपेंडिकुलर कितना है आपका हाइट एच है और आपका ए सी बेस कितना है सर एसी, बेस यही हो गया ना एसी कितना है 30 मीटर है, तो यहाँ से टेन थर्टी का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/30 हो जाएगा सर। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30/√3। कोई आंसर मिला, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे रूट थ्री से नीचे और ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डेनोमीटर को हमको क्या बनाना है फ्री रेडिकल्स बनाना है मैं इसकी रेशनल नंबर बनाना है। तो क्या हो जाएगा 30/√3 × √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू रूट थ्री हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा टेन थ्री जा क्या हो जाएगा 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, क्या आ गया यहाँ से मेरा आ जाएगा 10√3,
टेन रूट थ्री मीटर। कोई दिख रहा ऑप्शन? ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट आपका बोलता है क्या? क्वेश्चन नंबर एट बोलता है sec a प्लस टेन ए इज इक्वल टू क्या है? sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस sin a इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें बताना है। तो sec a को क्या लिख सकते हैं सर? वन बाय cos a लिख सकते हैं, वन बाय cos a लिख सकते हैं। प्लस प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं सर? sin a बाय cos a लिख सकते हैं, sin a बाय cos a लिख सकते हैं। इंटू इंटू क्या दिया हुआ है? वन माइनस sin a दिया हुआ है, इंटू वन माइनस sin a दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो cos a, cos a को क्या ले लेते हैं? LCM ले लेते हैं। cos a आ जाएगा सर, cos a आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, वन प्लस sin a आ जाएगा, वन प्लस sin a आ जाएगा। अब एक cos a नीचे है, अब क्या इंटू इंटू वन माइनस sin a, इंटू वन माइनस sin a। आप क्या लिख सकते हैं सर यहाँ से? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर वन हो जाएगा सर, माइनस साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बाय कॉस ए हो जाएंगे, बाय कॉस ए हो जाएगा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? वन को क्या लिख सकते हैं सर? वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए वन को क्या लिखते हैं आप? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? वन होता है। तो वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा सर, बाय 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 क्या हो जाएगा? कोस ए हो जाएगा, बाय कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए और प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से? कोस स्क्वायर ए बचेगा सर, कोस स्क्वायर ए बाय क्या? कोस ए बचेगा। अब क्या हो जाएगा? स्क्वायर और कोस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? एक कोस ए बच जाए, एक कोस ए बच गया। क्या बोलेगा आंसर? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन बोलता है कि वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ईच। तो यहाँ देखो 63 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, दोनों एक ही रेशियो रहेगा, दोनों एक ही रेशियो रहेगा सर। तो ये देखो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? आपका आपका क्या होता है? वन होता है सर। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? कोस कोस, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोस स्क्वायर 63 साइन 90 माइनस थीटा यूज करेंगे ना, क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर 63। अगर साइन में रहा या कोस स्क्वायर में रहा और एंगल आपका दोनों का सम बना के कितना 90 बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? वन हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सर। तो ये आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री ये लिख सकते हैं। आप देखो क्या लिखेंगे यहाँ? साइन स्क्वायर 63 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 63 डिग्री हो जाएगा सर। साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 दोनों सेम एंगल क्या हो जाता है? इसका वैल्यू वन हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो देखो ये आप डायरेक्टली बना सकते हैं सर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि इफ साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a देन एंगल ए क्या होगा, ए हमें बताना है। तो साइन ए क्या करेंगे? वैल्यू पुट करके, ऑप्शन पुट करके चेक कर लेंगे। तो साइन जीरो, साइन टू ए, टू ए ए कितना? जीरो ले रहे हैं। तो साइन इंटू टू जीरो क्या हो जाएगा आपका? साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है सर? जीरो होता है। फिर टू साइन ए, टू साइन ए को पुट कर रहे हैं, टू इंटू साइन ए, साइन ए की जगह पर क्या रखेंगे? जीरो। तो टू इंटू साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो जीरो इंटू टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कौन हमें सेटिस्फाई कर गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। पहले वाला मैच हो गया इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैच करके देखना डाल के, आपका वैल्यू सेम नहीं आएगा, आपका वैल्यू सेम नहीं आएगा। या कर सकते हैं साइन टू ए का वैल्यू आता है फॉर्मूला सर, साइन टू साइन ए, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कोस ए, कोस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टू साइन ए, टू साइन ए। अब क्या हो गया? साइन ए से साइन ए कैंसिल, टू से टू कैंसिल, यहाँ क्या बचा? वन बचा सर। तो कोस ए बराबर क्या गया? कोस ए बराबर क्या गया आपका? कोस ए बराबर वन आ गया। तो कोस ए, कोस ए वन किसका होता है? कोस जीरो डिग्री का होता है, कोस जीरो डिग्री का होता है। तो कोस से कोस कैंसिल, ए बराबर क्या आ गया सर? जीरो डिग्री आ गया।
क्या गया, 0 डिग्री आ गया। कोई मिला ऑप्शन, ऑप्शन ए मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोलता है क्या कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन दी वैल्यू ऑफ 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो क्या करेंगे सर, पहले इसको जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना, cos थीटा का वैल्यू दे दिया गया है और ये वाला जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला आपका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बाय बाय क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। क्या हो जाएगा यही फॉर्मूला में आपका हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है सर, इज इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ये वाला फार्मूला से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर, cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7/8, क्या रखेंगे 7/8 रखेंगे, 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 बाय 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 49/64। कोई दिखा ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोलता है क्या सर कि द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर देन आपका एक के का वैल्यू क्या होगा ए हमें बताना है। तो मानो कि कोलिनियर मतलब कि तीनों एक ही लाइन पे लाइक कर रहा होगा, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइक कर रहा होगा सर। तो ए मेरा ए है, बी है, सी है, ए कितना है सर 2.3, बी कितना है सर 4.k, फिर आपका सी कितना है सर, सी मेरा सी पॉइंट जो है 6.-3 ए दिया हुआ है। आप क्या मानते हैं, ए को मान लेते हैं x1, y1, बी को मान लेते हैं x2, y2 और सी को मान लेते हैं x3, y3। जब मेरा कोलिनियर अगर तीन थ्री अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट मेरा कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रेंगल का जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो क्या किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो से कर देंगे, किसे जीरो से कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या फॉर्मूला होता है सर, हाफ ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू आपका हो जाता है यहाँ पे y3 माइनस y1 प्लस क्या हो जाता है आपका x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाता है सर, इज इक्वल टू क्या 0 हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल अगर ए मेरा क्या 0 के बराबर इक्वेट कर दे तो ये क्या कोलिनियर कहलाता पॉइंट है। तो 2 को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, इधर डिवीजन में उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप वो वैल्यू पुट करते हैं सर, x1 क्या है सर, x1 मेरा 2 है, 2 रख दिए, इंटू y2 कितना है सर, y2 मेरा k है, k माइनस के y3 कितना है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सर। फिर आपका प्लस आपका x2 क्या है सर 4 है, 4 इंटू y3 कितना है सर माइनस थ्री माइनस y1 कितना है सर, y1 मेरा माइनस थ्री है तो माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस आपका क्या प्लस x3 कितना है सर 6 इंटू y1 कितना है 3 और आपका y2 कितना है k, तो क्या हो जाएगा माइनस k इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया सर। आप क्या करते हैं इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करते जाए क्या हो जाएगा 2k प्लस
टू इंटू थ्री क्या हो गया, सिक्स हो गया। ए टू जो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ए इससे मल्टीप्लाई होगा। फोर इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा। माइनस सिक्स इंटू फोर क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स इंटू फोर आपका माइनस ट्वेंटी फोर हो जाएगा सर, माइनस ट्वेंटी फोर हो जाएगा। उसके आगे यहां से क्या हो जाएगा, प्लस 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 आपका क्या, आपका क्या आ गया, प्लस एटीन क्या हो जाएगा, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स थ्री जा क्या गया, एटीन आ गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा और सिक्स इससे भी मल्टी हो जाएगा। सिक्स इंटू माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स के हो जाएगा, माइनस सिक्स के हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया सर। तो यहाँ से आप क्या, टू के माइनस सिक्स के क्या हो जाएगा, माइनस फोर के हो जाएगा सर, माइनस फोर के हो जाएगा। सिक्स प्लस एटीन क्या हो गया, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर क्या गया, जीरो आ गया, क्या गया, जीरो आ गया, इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो के बराबर क्या हो जाएगा सर, आपका जीरो हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। के क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि माइनस फोर के, तो फोर के बराबर क्या हो जाएगा, आपका जीरो होगा। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो बाई फोर हो जाएगा। और फोर जीरो को किससे भी डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, जीरो आता है। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तभी ये लेंस क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे सर आपका। जैसे डी क्या हो जाएगा, के का वैल्यू जीरो आएगा, वैसे आपका पॉइंट क्या हो, कोलिनियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन। क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपका बोलता है, इफ द पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन दी पॉइंट, देन दी वैल्यू ऑफ पी। तो वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू क्या होगा हमें बताना है, कि ए बी सी आपका कोलिन, आपका वर्टिसेस है पैरेललोग्राम में, ये आपका ऑर्डर में लिया गया है सर, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं सर। और डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, कहाँ पे, ए आपका बाइसेक्ट करता है, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ए का पॉइंट क्या दिया हुआ है, सिक्स कॉमा वन दिया हुआ है। बी का पॉइंट क्या दिया हुआ है, आपका एट कॉमा टू दिया हुआ है सर, एट कॉमा टू दिया हुआ है। फिर आपका सी का पॉइंट क्या दिया हुआ है, नाइन कॉमा फोर दिया हुआ है, नाइन कॉमा फोर दिया हुआ है। और डी का पॉइंट क्या दिया हुआ है, पी कॉमा थ्री दिया हुआ है सर। हमें क्या निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, कि ये आपका वर्टिसेस किसका, पैरेललोग्राम का है। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम क्या, अपोजिट साइड्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। मीन्स कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी, ए बी इज इक्वल टू सी डी सर, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे सर, क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हो, और एक ये बताते हैं कि जो आपका ए सी का डायगोनल का मिड पॉइंट जो होगा सर, ये डायगोनल क्या करते हैं, आपका बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है कहाँ पे, ओ पे, ए मतलब कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, और आपका ओ बी इज इक्वल टू क्या, ओ डी हो जाएगा सर। एक तो डिस्टेंस फार्मूला से तो निकाल सकते हैं, ये तो आपका लेंदी चला जाएगा, ठीक है, ए ए बी फिर निकालो, फिर पी आपको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक आपका ओ, ओ क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा किसका, ए सी का, और ओ किसका सेंटर हो जाएगा, बी डी का। तो ओ पहले निकाल लेते हैं, ओ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आपका सेंटर का निकालने का, ओ अगर मिड पॉइंट है सर, तो सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट का क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू हो जाता है। तो यहाँ पर मान लेते क्या है, आपका x कॉमा वाई है सर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर ए सी, ए सी मैंने निकाल रहे, ए सी में जो हाँ वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, तो हो जाएगा सिक्स प्लस नाइन, सिक्स प्लस नाइन बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ से कितना हो जाएगा, फिफ्टीन बाई टू हो गया सर, 15/2 हो गया। तो हमें तो x ही निकालना है, फिर आगे क्यों निकालेंगे, आगे नहीं निकालना है, आगे हम नहीं निकालते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आप क्या बी डी के लिए, फोर बी डी, फोर बी डी, फोर बी डी, आगे y के निकालने की जरूरत नहीं है, बी डी, बी डी क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू बी डी, बी डी जो ओ क्या है, मिड पॉइंट है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू, x कितना निकाले भी सर, 15/2, 15/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी प्लस एट, पी प्लस एट, पी प्लस एट बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा सर, टू हो जाएगा। क्या यूज कर रहे हैं, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो टू से टू क्या हो गया, कैंसल, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 15,
फिफ्टीन, इधर क्या 8 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 माइनस में, 15 माइनस क्या हो गया 8 हो गया सर, क्या गया आपका 7 आ गया, क्या गया 7 आ गया, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बोथ को बनाएगा तो क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा, बोथ सोल्व करना पड़ेगा। इसमें देखो डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला यूज किए, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, तो इजिली से मेरा बन गया सर, क्योंकि डायगोनल क्या करता है बायसेक्ट करता है, क्या करता है बायसेक्ट करता है, तो बायसेक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट आपका एसी का होगा वही मिड पॉइंट क्या है बीडी का होगा, और बीडी का होगा तो क्या पहले ओ निकाल लेते हैं एसी को यूज करके मिड पॉइंट, फिर क्या करेंगे फिर मेरा पी निकल जाएगा, तो इजीली हम निकाल लिए सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5.6 एंड -1.-4 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इच, वाई एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस बोले तो आपका ये वाला वाई एक्सिस है सर, y एक्सिस में क्या x मेरा जीरो होगा, y एक्सिस में मैं कह रहा क्या x जीरो होगा, ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस में लाइन डिवाइड कर रहा है, कहाँ है 5.6 कहीं इधर होगा सर, 5.6 यहाँ पे है, और 1.-1.-1 यहाँ पे होगा, मान लेते हैं इसका पॉइंट a है सर, a b है, तो आप बोलो क्या कि वाई एक्सिस पे कहाँ पे डिवाइड करेगा, तो वाई एक्सिस मतलब क्या एक्स मेरा जीरो है, एक्स मेरा क्या जीरो है, और वाई कुछ भी होगा पता नहीं, तो हमें एक ही को चाहिए मिड पॉइंट निकालने के लिए, क्या होता है फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका जो होता है लेमडा इज टू वन, मान लेते हैं कि लेमडा इज टू वन में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, लेमडा इज टू वन में, ठीक है लेमडा इज टू वन में, लेमडा इज टू वन में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है सर, लेमडा इज टू वन में डिवाइड कर रहा है, क्या करेंगे अपोजिट मल्टी क्या होता है आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाता है आप जब निकालते हो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके तो क्या हो जाता है एम एक्स आपका हो जाता है क्या एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई क्या हो जाता है एम प्लस एन हो जाता है सर, एम प्लस एन हो जाता है, तो आपका जहाँ पे डिवाइड कर रहा है वहाँ पे क्या है x क्या है जीरो है, तो जीरो रख दिए, जीरो इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन से, क्या आ गया माइनस लेमडा आ गया सर, माइनस लेमडा प्लस वन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव से, प्लस फाइव आ गया, प्लस फाइव हो गया बाय लेमडा, एम कितना है लेमडा प्लस वन हो जाएगा, लेमडा प्लस वन हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ से लेमडा प्लस वन मान लिए, क्यों अब हमेशा मानना कि लेमडा इज टू वन में डिवाइड हो रहा है, लेमडा इसके अपोजिट से ए वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए हो गया, अब लेमडा प्लस वन को इधर ले जाएंगे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा जीरो आएगा, इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस लेमडा प्लस फाइव आ जाएगा सर, प्लस फाइव, तो आप क्या लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू क्या गया फाइव आ गया, लेमडा इक्वल टू क्या गया फाइव, तो लेमडा इज टू वन माने थे ना, तो क्या आ गया सर फाइव इज टू वन आ गया, फाइव इज टू वन आ गया, किस रेशियो में डिवाइड करेगा फाइव इज टू वन में, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइव इज टू वन में क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोलता है क्या कि ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी क्या है सर, ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, आप बोलते हैं कि सच डेट और बी डी ई भी क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सच डेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी क्या है सर मिड पॉइंट है किसका डी का बी सी का, मान लो तो मिड पॉइंट ये हो गया, आप बोलता है क्या कि ट्रायंगल, आप बोलते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ बी सी रेशियो ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी और बी डी ई का एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा हमें ए निकालना, मानते हैं ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया बी डी ई, ठीक बी डी ई हो गया, मान लेते कि आपका जो साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का ए मान लेते ए है सर, अगर ए है तो मेरा क्या बी डी, बी डी क्या हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है किसका बी सी का है सर, तो हाफ बी सी हो जाएगा मीन्स कि ए बाय क्या हो गया टू हो गया, ए बाय क्या हो गया टू हो गया, मीन्स कि आपका जो एरिया ट्रेंगल है बी डी इसका आपका साइड क्या हो जाएगा ए बाय टू हो जाएगा सर। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रेंगल है, क्या फॉर्मूला जो होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या होता है रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर कितना दिया हुआ है ए दिया हुआ है, साइड ए दिया हुआ तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा सर। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी क्या होता है फॉर्मूला
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका होता है रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना दिया हुआ है सर, साइड मेरा ए बाई टू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ए बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं, फोर लिख सकते हैं। आज क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो निकालना है, ए बी सी बाय क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई यही दोनों का रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई फोर इंटू इंटू ए स्क्वायर बाय रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर बाय क्या हो गया, फोर हो जाएगा। तो रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई फोर क्या हो जाएगा, कैंसल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, फोर ऊपर चला जाएगा सर, क्या आ जाएगा, फोर बाई वन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर इज टू वन में किस रेशियो में आपका जो रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बी डी आपका फोर इज टू वन होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इन एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली एंड द कॉमन डिफरेंस इज 9, देन द नंबर ऑफ टर्म इज, बोला कि आपका फर्स्ट टर्म दे दिया गया कितना है सर, आपका 17 है, आपका लास्ट टर्म जो है वो दे दिया गया, मतलब ए एन मेरा दे दिया गया कितना है सर, ए एन आपका 350 है, और कॉमन डिफरेंस मेरा दे दिया गया कितना है, कॉमन डिफरेंस 9 है, तो मेरा n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, a निकालना है, मीन्स की n निकालना है सर। तो ए एन का फॉर्मूला होता है आपका, आपका नंबर, आपका ए एन इज इक्वल टू होता है, क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है सर, क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहाँ से क्या पुट करेंगे, ए एन, ए एन कितना दिया हुआ है 350, इज इक्वल टू ए, ए कितना दिया हुआ है 17, प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एन तो नहीं पता, एन रहने देते हैं, माइनस वन, माइनस वन डी, डी कितना दिया हुआ है सर, 9 दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 350 माइनस 17, 350 माइनस 17 क्या हो जाएगा आपका 3, और 4 में 1 गया तो आपका 3, तो आपका 350 माइनस 17 प्लस इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन माइनस वन इंटू 9 हो जाएगा। अब इसको सपरेट करेंगे, सपरेट करके कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और आपका 4 में 1 गया तो क्या बचा, 3 बचा, फिर आपका यहाँ 3 क्या आ जाएगा, 333 आ जाएगा, 333 आ जाएगा, ये 9 क्या है मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, तो क्या जाएगा आपका हो जाएगा डिवीजन में सर, डिवीजन में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, ये देखो 9 से कट रहा है क्या, 9 थ्री जा 27 आपका बच गया 63, 9 7 जा 63, 9 7 जा क्या गया 37 आ गया, तो आपका n इजल टू क्या हो जाएगा 37 प्लस 1 इजल टू क्या हो गया 38, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा सर 38, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 17 बोलता है क्या कि द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 18, जो आपका फर्स्ट 15 मल्टीपल मीन्स कि एन कितना दे गया है सर 15 दे दिया गया है, 15 दे दिया गया, आपका बोला कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो पहला मल्टीपल 8 हो गया, दूसरा 16 हो गया, तीसरा क्या 24 हो गया सर, इसी तरह आपका चलते रहेगा। तो आपको एस 15 निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 निकालना है, तो यहाँ से मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है सर 8 है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है 8 है, ठीक है 16 माइनस 8 क्या गया 8 आ गया। अब हमें एस 15 निकालना है, क्या निकालना है एस 15, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू सम ऑफ द एंथ टर्म, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू डी होता है सर। अब इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं, एस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बाई टू इंटू इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है सर 8 है, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा प्लस एन माइनस वन एन कितना है सर 15, तो 15 माइनस 1 क्या जाएगा आपका 14 हो जाएगा, इंटू 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 डी, डी कितना है सर 8 है। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम क्या करें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जैसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 बाई 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या बचेगा सर 8 बचेगा यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 कितना, यहाँ पे 7 बचेगा इंटू 8 यही बचेगा। अब देखो 2 से 2 क्या गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे 15 हो गया सर, 15 इंटू 8 प्लस 8 7 जा क्या होता है 56 प्लस 8 क्या हो गया 56 प्लस 8
56 + 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। सॉरी आपका क्या 72 हो जाएगा, आप 72 × 15 करते हैं सर, 72 × 15 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10 का जीरो बाकी है तो 1 कैरी, 7 × 5 = 35, 35 और 1 क्या हो गया 36, फिर 72 × 1 = 72, 8 करते क्या जाएगा आपका 0, यहाँ 6 × 2 = 8 और 7 × 3 क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 10 हो जाएगा सर, क्या गया 1080 आ गया, कहीं कुछ गलती किए क्या? यहाँ पे हम गलती किए, 8 × 7 = 56 होगा, 56 + 8 कितना होता है 64 होता है, क्या ले लिए थे 74 लिए थे सर, तो 64 × 15 करेंगे, 64 × 15 करेंगे, 64 × 15 करेंगे तो क्या जाएगा आपका देखो आएगा 4 × 5 = 20 के जीरो बाकी है 2, 6 × 5 = 30 और 2 = 32, 64 × 1 = 64, क्या गया आपका, आपका हो जाएगा 0, ये 2 × 4 = 6, 6 × 3 = 9 के 3 × 6 क्या हो गया 9, कितना गया सर 960, तो आपका सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है क्या कि ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर एकेडमिक एक्सेलेंस। If each prize is ₹20 less than its preceding prize, the first prize amount is, तो बोल रहा है क्या कि ₹700 एक सम कितना है ₹700 है, इसको यूज कर रहा है 7 कैश प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करने, स्टूडेंट को स्कूल के स्टूडेंट को प्राइज में 7 कैश प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ₹700 का सम ऑफ ₹700 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एकेडमिक एक्सलेंस मीन्स कि वो एकेडमिक में अपना अच्छा किया है उसीलिए उसको गिफ्ट मिल रहा है, तो इफ एच प्राइज इज लेस ये ₹20 less देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइज, मीन्स कि फर्स्ट प्राइज को मानो x है ये रुपया है तो सेकेंड प्राइज जो हो जाएगा क्या a-20 हो जाएगा, फिर तीसरा प्राइज क्या हो जाएगा a-20 × a-20, पहला से ₹20 कम होते चलेगा, मीन्स कि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा सर। तो आपका यहाँ पूछा क्या कि फर्स्ट प्राइज का अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट प्राइज का अमाउंट क्या होगा, हमें a निकालना है, तो मानते कि फर्स्ट प्राइज का जो प्राइस है सर, फर्स्ट प्राइज का प्राइस क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, आपका S7 कितना दिया हुआ है सर 700 दिया हुआ है, 700 कितना के बीच में बांटना है, N = कितना दिया हुआ है सर 7 दिया हुआ है, 7 स्टूडेंट के बीच में 7 के इस प्राइज बनाना है 700 का, तो पहला का ए मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा a-d हो जाएगा, ए माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, सेकेंड प्राइज आपका a-20 हो जाएगा सर। थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा आपका, आपका a-20 × -, क्या हो जाएगा -20 एंड सो वन होते चला जाएगा। तो हमें पूछा कि फर्स्ट प्राइज कितना का होगा ये हमें निकालो, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, कॉमन डिफरेंस सेकेंड प्राइज माइनस फर्स्ट प्राइज क्या हो जाएगा a-20 माइनस ये, तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा -20 बच गया, तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया, एन पता चल गया, S7 पता चल गया आपका, और ए नहीं पता है, ए नहीं पता तो ये निकाल लेंगे, तो SN बराबर क्या होता है सर, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 × d होता है, यही फॉर्मूला होता है, इससे हम निकाल लेंगे। SN कितना दिया हुआ है सर 700 = n कितना दिया हुआ है सर 7 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 × a तो नहीं पता है फर्स्ट प्राइज का प्राइस, तो a मान लेते हैं, प्लस n-1 क्या हो जाएगा 7 - 1 क्या हो जाएगा 6 होगा, 6 × -20 हो जाएगा। आप देखो ये 7 है, ये 700 इधर जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या जाएगा 700 जा आपका 700 हो जाएगा, फिर 2 क्या जाएगा मल्टीप्लेक्शन में चला जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लेक्शन में क्या जाएगा 100 × 2 क्या हो जाएगा सर 200 हो जाएगा, 200 = 2a माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6 × 20 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120, तो 2a = आपका हो जाएगा सर 2a = हो जाएगा 200 प्लस ये आपका 120 माइनस में था, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा प्लस में, तो a = क्या हो जाएगा
200 प्लस 120 क्या आ गया, 320 आ गया सर। 320 टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, टू आपका डिवीजन में क्या हो जाएगा, डिवीजन में 16 दूनी 32 मतलब कि 160 हो जाएगा आपका जो फर्स्ट प्राइज का जो प्राइज होगा सर, फर्स्ट प्राइज का जो प्राइस होगा कितना होना चाहिए आपका, 160 रुपये होगा, कितना होगा 160 रुपये होगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोलता है क्या कि द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, क्या होना चाहिए, थ्री डिजिट का नंबर होना चाहिए। थ्री डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है सर, 100 से लेकर आपका कहाँ 999 तक स्टार्ट होता है। आप क्या होना चाहिए, आपका 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन पहला नंबर, कौन डिविजिबल होगा 7 से, देख लो 100 को डिवाइड करो 7 से, तो क्या हो जाएगा आपका 7 1 7, यहाँ पे क्या बचेगा 3 30, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 28, आपका क्या 2 बचा। 2 में क्या ऐड करेंगे कि 7 से मेरा डिविजिबल हो जाए, 2 में और क्या ऐड करेंगे, 100 तो मिनिमम वाला है ना, तो 3 डिजिट का बनाना, 3 में 2 में क्या ऐड करेंगे 7 में, तो क्या करेंगे 7 में 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे कितना 5 आया सर, 5 इसमें और ऐड कर देंगे 100 में क्या 5 और ऐड कर देंगे, तो 7 से मेरा एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा सर, 7 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 105। तो पहला जो टर्म बनेगा मेरा क्या बनेगा 105 का बनेगा, दूसरा क्या होगा 7 8 होते जाएगा 112 हो जाएगा, फिर डॉट 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 आपका क्या 999 को, 999 को क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, 999 को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 से डिवाइड करते कितना बनेगा देखो, 1 बार में क्या हो गया 7 हो गया सर, क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 9 उतरेगा, फिर क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 क्या उतरेगा यहाँ पे 1 उतरेगा, फिर आप यहाँ पे 7 7 2 जा क्या हो गया 14 आ गया सर, क्या बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, इसमें क्या घटा दें, कितना घटा दें कि ये मेरा एग्जैक्ट डिविजिबल बन जाए, एग्जैक्ट डिविजिबल बन जाए, तो क्या घटाना पड़ेगा जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर घटा देंगे, तो 999 में क्या घटा दें 5 घटा दें, क्योंकि बढ़ाएंगे इसको 2 बढ़ा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ये मेरा प्रोसीडिंग बन जाएगा, 1000 से पार कर जाएगा, 4 डिजिट में आ जाएगा, तो क्या हमको कम लेना है तो 5 घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 494 हो जाएगा, जो आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा सर, 994 आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका जो हो जाएगा 105 होगा, थ्री डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है, और लास्ट डिजिट जो है थ्री डिजिट का, लास्ट नंबर जो थ्री डिजिट का है जो 7 से डिविजिबल है, वो क्या हो जाएगा 994 हो जाएंगे, 994 हो जाएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या है, ए इज इक्वल टू मेरा क्या है सर 105 है, डी क्या है सर, डी मेरा 7 है, डी 7 है, और आपका ए एन कितना है सर 994 है। हमें क्या निकालना है, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा जो 7 के डिविजिबल में होंगे थ्री डिजिट नंबर, तो मतलब ए एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला सर, ए एन इज इक्वल टू होता है मेरा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है ए एन कितना दिया हुआ है 994 देते हैं, इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ सर 105 दिया हुआ है, 105 प्लस 4 माइनस क्या है आपका एन तो पता नहीं, एन माइनस 1 रहने देते हैं, इंटू 7, डी कितना है सर 7 है, डी कितना है 7, आप क्या हो जाएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 7। आप देखो इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 14 में 5 गया तो क्या बचेगा आपका 9 बचेगा सर, 9 आपका 8 में 0 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा, 9 में 1 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा। आप देखो 7 इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1। आप देखो ये कटेगा, ये आपका कटेगा 1 7 1 जा 7 बच गया 18, 7 2 जा 14 आपका 7 2 जा 14 फिर क्या बचा आपका 49, 7 7 जा 49 क्या गया 127 आ गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन आपका क्या हो जाएगा सर 127 प्लस 1 क्या गया 128 आ गया, क्या गया 128 आ गया। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी दिखा, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या बोलता है देखो कि द 20th टर्न फ्रॉम द लास्ट टर्न ऑफ दिस सिक्वेंस इज, कि आपके लास्ट टर्म से निकालने जा रहे हैं,
कि लास्ट टर्म से 20th टर्म क्या होगा ये हमें निकालना है, क्या इधर से मेरा 20th टर्म क्या होगा ये हमें निकालना है सर, ठीक है। तो क्या करेंगे 253 डॉट 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 क्या हो जाएगा 13 8 3। तो आप इससे निकालना है, तो पहला टर्म मेरा क्या हो जाएगा सर, ए आपका 253 हो जाएगा, ठीक है 253 हो जाएगा पहला टर्म। और लास्ट टर्म जो ए एन मेरा क्या हो जाएगा, ए एन मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए एन कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, ए एन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोई 8 आपका हो जाएगा क्या 8 - 3 क्या हो जाएगा आपका 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 3 - 8 हो जाएगा, या 8 - आप पेंसिटिंग माइनस ये लेते तो 3 - 8 क्या हो गया यहाँ से -5 हो गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। एन मेरा कितना है और 20 है सर, तो आप क्या यूज करेंगे a20 = क्या होता है a प्लस ए कितना है सर, a मेरा 253 है, 253 प्लस प्लस एन कितना है सर 20 - 1 क्या गया 19 इंटू आपका 19 इंटू डी कितना है सर -5 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, देखो आपका 253 माइनस क्या हो जाएगा 19 × 5 प्लस माइनस माइनस 19 × 5 क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। आप सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 में 5 गया तो 8 आपका 14 में 9 गया तो 5 फिर 2 एक केरी ले लेते तो क्या 158 बचेगा सर, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है आपका क्या, इन ए फ्लावर बेड देर आर 20 रोज, फर्स्ट रो में कितना है आपका सर 23 रोज है, और सेकेंड रोज में कितना है आपका 21 रोज है, और आपका थर्ड रो में आपका कितना 19 रोज है डॉट डॉट एंड सोवन देर आर 5 रोज इन द लास्ट रो, और लास्ट रो में कितना आपका 5 रो है, कितना 5 रोज है, कितना है 5 रोज है। अब बोलता है कि देन द नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड में कितना रोज है हमें निकालना है, एन निकालना है, नंबर ऑफ रोज निकालना है सर, मीन्स की एन निकालना है, रोज नहीं टोटल नंबर ऑफ रोज नहीं निकालना है, रोज निकालना है, कितना कॉल वहाँ पे लाइन है वो हमें बताना है, ठीक है। वहाँ पे पुष्प में पंक्तियाँ कितना है वो निकालना है, मीन्स की एन निकालना है। तो हमें क्या पता है, ये आपका फर्स्ट टर्म पता है सर, फर्स्ट टर्म कितना है 23, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो क्या हो जाएगा आपका 21 - 23 क्या गया आपका -2 आ गया सर। फिर आपका ए एन लास्ट रोज में कितना है आपका 5 रोज है, क्या गया 5 है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × d, यही फॉर्मूला यूज करेंगे सर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन कितना है 5 है, इज इक्वल टू ए कितना है सर मेरा 23 है, प्लस आपका n - 1 एन तो नहीं पता है, एन तो निकालना है नंबर ऑफ रोज, फिर यहाँ रोज निकालना है, डी कितना है सर -2 है। आप क्या करते हैं यहाँ से 5 - 23 कर देते हैं, 23 इधर प्लस पे था इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 इंटू n - 1 हो जाएगा सर। आप माइनस से ए माइनस रहने देते आप क्या हो जाएगा 5 - 23 क्या बचेगा यहाँ पे आपका -18 बचेगा सर, -18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 × n - 1 तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n - 1 एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 9 + 1 क्या गया 10 आ गया। कितना रोज होंगे वहाँ पे 10 रोज होगा, क्या हो जाएगा 10 रोज होंगे सर। कितना पंक्तियाँ होंगे गुलाब का 10 होंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोलता है क्या कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मिसेज सोनू जेज इन ईयर्स 3 years ago, ठीक है 5 years लेटर फ्रॉम नाउ इज 1/3 कि सोनूज का प्रेजेंट एज क्या होगा कि 3 साल पहले आपका 3 साल पहले 3 years ago मानते कि सोनू का एज क्या है, सोनू का एज मान लेते हैं एक्स है सर, प्रेजेंट एज क्या है एक्स मान लेते हैं, एक्स ईयर है
ठीक है, तो बोलता है क्या कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मिसेस सोनू एज 3 years ago एंड 5 years लेटर फ्रॉम नो एज 1/3। बोलता है कि सोनू का, तो बोलता है कि 3 years ago सोनू का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 3 years रहेगा। और 5 years later सोनू का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5 years हो जाएगा। आप क्या बोलते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 3 years ago एंड 5 years later, क्या करते हैं दोनों एज का जो x माइनस 3 years, 3 years का जो एज है उसका रेसिप्रोकल, और 5 years later जो है एज उसका रेसिप्रोकल को सम करते हैं तो क्या आता है, 1/3 आता है। मीन्स कि मेरा कहना क्या, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 1/, इसका रेसिप्रोकल करो x माइनस 3 का, क्या हो जाएगा 1/x-3 हो जाएगा, प्लस x प्लस 5 का रेसिप्रोकल करेंगे क्या जाएगा, x+5 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्या जाएगा इसके बराबर 1/3 होगा। आप क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री इंटू x प्लस फाइव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आपका x+5 आएगा और प्लस x-3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, 1/3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, टू एक्स प्लस टू हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3 इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 3 इधर ले आए, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ले जाते हैं सर, तो क्या हो जाएगा, एक्स को एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे भी होगा, तो क्या हो जाएगा आपका x² 1 है तो 1 इंटू ये मल्टीप्लाई कर, तो यही हो जाएगा, फिर आपका -3x + 5x, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आपका -15, 3 × 5 क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा सर। अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 6x प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू x² -6x - 3x + 5x क्या जाएगा, +2x आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा सर। अब क्या हो जाएंगे, x² प्लस 2x माइनस उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, -6x, ये +6 को उधर ले जाएगा तो क्या जाएगा, -15 - 6 इजिक्वल टू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा सर। अब क्या आ जाएंगे यहाँ से, x² 2x - 6x क्या जाएगा, -4x आएगा, फिर -15 - 16 क्या जाएगा, -21 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा सर। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके क्या और घटा के कितना लाना है, 4x, तो क्या जाएगा, फैक्टराइज करेंगे तो x² - 7x + 3x - 21 = 0 हो जाएगा, = 0। क्या करेंगे सर, x² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 21x² आ गया, ये माइनस आया ना तो सबट्रैक्ट करके क्या लाना है, -4x, तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे, 21 को फैक्टराइज करते हैं, क्या जाएगा, 3 7 जा, तो आपका 3 - 4, ठीक है, 3 - 7 कर रहे तो क्या जा रहा है, -4 हो जा रहा है। मीन्स कि आपका साइन किसके साथ माइनस वाला रहेगा, माइनस बड़ा, आपका बड़ा वाला साथ माइनस रहेगा और छोटा वाला साथ प्लस रहेगा, तो -7x + 3x - 21 = 0 हो गया। यहाँ से क्या कॉमन ले लें सर, इससे x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिए, क्या बनेगा, x - 7 बनेगा, प्लस 3, यहाँ से क्या 3 कॉमन ले ले रहे तो क्या बनेगा, x - x और 7 3 = 21, तो 7 को 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे 7 बचा, = 0। तो यहाँ से क्या x माइनस सेवन को कॉमन ले लेते हैं यहाँ, और क्या बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ क्या बचेगा 3, क्या बचेगा x + 3 = 0, तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से, क्या जाएगा x - 7 = 0, तो x = 7 और x = x + 3 = 0 क्या गया, x = -3। तो हमें पता है क्या, एज मेरा नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए सोनूज का एज क्या हो जाएगा, 7 years, क्या हो जाएगा 7 years, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, क्या मोटर बोट का स्पीड क्या है सर, बोट का स्पीड मान लेते हैं, बोट का स्पीड एक्स आपका 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो
24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू दी सेम स्पॉट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड जो है सर, स्ट्रीम का स्पीड हम मान लेते हैं क्या है, स्ट्रीम का पानी का जो स्पीड है धारा का वो मान लेते हैं एक्स। अब क्या बोल रहा है कि 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जाने में क्या ज़्यादा समय लगेगा और डाउन स्ट्रीम में आने में, डाउन स्ट्रीम में आने में क्या कम समय लगेगा। तो आपका बोलता है कि अप स्ट्रीम में जब जाते हैं तो एक घंटा ज़्यादा लगता है। तो दोनों का डिफरेंस, अप स्ट्रीम का टाइम टेकन माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकन, डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकन क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या हो जाएगा सर, आपका सब्ट्रैक्ट होता है, क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स रहेगा। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा आपका, अप स्ट्रीम में स्पीड आपका बोट का जिधर धारा है उसके अपोजिट चल रहा है, इधर मानो धारा का डायरेक्शन है स्ट्रीम का तो इधर बोट का डायरेक्शन होगा सर, इसका अपोजिट। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में ये होता है और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, स्ट्रीम भी वही डायरेक्शन में और आपका क्या बोट भी वही डायरेक्शन में। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा सर, डाउन स्ट्रीम में आपका हो जाएगा 18 प्लस एक्स। आपका क्या डिस्टेंस तो सेम दिया हुआ, क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो आप स्ट्रीम का टाइम कितना लगेगा 24 बाय स्पीड, स्पीड कितना दिया हुआ है सर आप स्ट्रीम का 18 माइनस एक्स, माइनस डाउन स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का मेरा हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस तो वही कवर कर रहा है 24 बाय जितना जा रहा है उतना ही तो आएगा, ठीक है 24 बाय क्या हो जाएगा आपका 18 प्लस एक्स हो जाएगा सर, 18 प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 1 आवर। तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 18 माइनस एक्स इंटू क्या जाएगा आपका 18 प्लस एक्स हो जाएगा सर, 18 प्लस एक्स हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 24 को कॉमन निकाल देते हैं, 24 को कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका क्या माइनस 18, ये माइनस इंटू ये इससे बोला प्लस क्या हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, फिर आपका माइनस इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा सर, ये आपका आ गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो 18 से 18 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 24 इंटू 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो 24 इंटू 2x क्या हो जाएगा 48x हो जाएगा सर, 48x हो जाएगा इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a माइनस a प्लस b क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या प्लस में हो जाएगा प्लस 48x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर 364 होता है सर, 18 8 जाए 144 और 18 1 जाए 18 आपका क्या हो जाएगा आपका 324 होता है, सॉरी क्या होता है 324 होता है, 18 का स्क्वायर क्या हो जाता है 324 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया सर, इक्वल टू 0 हो गया। आप देखो यहाँ पे देखो कि आपको सबट्रैक्ट करके क्या लाना है 40, क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस 324 एक्स स्क्वायर होगा। आप इसको इस तरह से तोड़ना है माइनस सबट्रैक्ट करके कि मेरा 48x आ जाए, तो क्या करेंगे 324 ये क्या हो जाएगा 2 बार में क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 1 यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 फिर एक 1 बार में ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 1 2 बार में हो गया, फिर आपका ये हो जाएगा 3 बार में ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 बार में ए हो गया 9। अब यहाँ से 3 3 9 9 2 18 18 2 36 ठीक है 9 3 27 23 7 54 में अगर 6 घटाएं क्या गया 48। तो क्या इसे तोड़ेंगे, इसको आप तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x और आपका क्या हो जाएगा -6x इज माइनस 324 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 54 और 6 को तो 324 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा और सबट्रैक्ट करोगे दोनों को तो कितना 48x आ जा रहा है। तो 324 को इसी तरह तोड़ना भी था, समझ में आ गया। तो आप क्या निकालते हैं x को, यहाँ से x को कॉमन निकालते हैं सर, x को कॉमन निकाले क्या बचेगा x प्लस 54
एक्स प्लस 54, यहाँ से क्या निकाले कॉमन, आप माइनस 6 निकालते हैं, माइनस 6 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 54 बचेगा, एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर क्या क्या एक्स प्लस 54 को कॉमन निकाल देते हैं सर, एक्स प्लस 54 को जैसे कॉमन निकाले क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब एक एक्स को जब इक्वेट करेंगे दोनों को 0 से तो एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू क्या, 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या गया, माइनस 54 आ गया, और एक एक्स क्या आ गया सर, एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया, एक्स इजक्वल टू 6 आ गया। तो मेरा स्पीड क्या नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए मेरा क्या स्टीम का स्पीड क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या दिखा ऑप्शन, ऑप्शन ए दिखा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है वैल्यू ऑफ के इफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, आपको देखो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, दोनों मूल क्या है सर, द्विघात समीकरण का इक्वल है, तो के का वैल्यू क्या होगा, तो डी इज इक्वल टू, अगर दोनों रूट्स इक्वल होते तो डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी कितना दिया हुआ सर, माइनस 2k, तो माइनस 2k क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू के इंटू ए कितना दिया हुआ, k दिया हुआ सर, इंटू इंटू सी, सी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 6 24 इंटू k 24k हो जाएगा सर, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से देखो k कॉमन, 4k क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 4k को क्या किए, कॉमन निकाल दिए, और क्या बचेगा, k माइनस 6 बचेगा सर, k माइनस 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। एक k क्या हो जाएगा, इक्वेट करते हैं 0 से, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और एक क्या हो जाएगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या गया, 6, तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसलिए k मेरा 0 नहीं हो सकता है सर। क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6 होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोलता है टू कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर्स सच डैट सम ऑफ हुज नंबर हुज स्क्वायर इज 290। क्या बोलता है कि टू कंजिक्यूटिव और पॉजिटिव नंबर है, तो पहला एक्स मानते हैं सर, दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 होगा, कंजिक्यूटिव लगातार, मानो कि एक 1 है तो दूसरा क्या 3 होगा, यही होगा ना, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो पहले एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, कंजिक्यूटिव ना लगातार, तो एक्स प्लस 2 होगा सर, एक्स प्लस 2 होगा। अब दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो कितना आएगा, 290 आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 290 आएगा सर, इज इक्वल टू 290 आएगा। ऑप्शन से भी आप ट्रायल कर सकते हो, 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर जोड़ के क्या आना चाहिए, 290, जैसे आपको करना है कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या जाएगा, 290 हो जाएगा सर, इजिकल टू 290 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, फिर क्या ए प्लस 4 इधर हो जाएगा, और माइनस आपका क्या 290, तो प्लस में है तो इधर आके क्या जाएगा, माइनस 290 में हो जाएगा सर, माइनस 290 में हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 290 में 4 चला गया तो क्या बचेगा, आपका 286 बचेगा सर, क्या बचेगा, 286 बचेगा, इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आपका यहाँ क्या 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 143 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन में 0/2 क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, 143 इज इक्वल टू 0। आप कैसे कैसे इसको 143 को तोड़ना है कैसे आपका, तो 11 बार में 11 143 क्या आ जाएगा सर आपका, ये 13 आ जाएगा, 13 माइनस 11 क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जा रहा है, तो ये आपका किस में टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x फिर माइनस 143 इज इक्वल टू 0।
अब क्या होगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस 11 कॉमन आएगा, तो x स्क्वायर x कॉमन ले लेते, क्या बचा x प्लस 13 बचा सर, x प्लस 13 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले ले, माइनस 11 कॉमन लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस x प्लस 13 बचेगा, x प्लस 13 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। आप देखो x प्लस 13 कॉमन है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 13 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा सर, x माइनस 11 बचेगा, x माइनस 11 बचेगा इज इक्वल टू क्या, जीरो। दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो से, तो x प्लस 13 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा सर, x माइनस 11 इक्वल टू जीरो, क्या जाएगा, x इक्वल टू 11 आ जाएगा, x इक्वल टू 11। तो नंबर मेरा नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए माइनस 13 नहीं होगा, तो x इक्वल टू क्या गया, 11 हो जाएगा सर। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2 क्या हो गया, 13 हो गया। तो एक 11 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 13। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा सर, ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो एंड 6x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू जीरो हैज नो सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन नहीं होने के लिए मीन्स की लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, मीन्स की a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होगा सर, इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 होगा, इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 होगा। तो हमें निकालना है a1 कितना है, 3 बाय क्या हो जाएगा, a2 कितना है सर, 6, 3 by 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू b1 कितना है, माइनस वन बाय b2 कितना है सर, -2, इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। c1 आपका 5 क्या हो जाएगा सर, 5, c1 कितना है, 5 बाय c2 कितना है सर, k। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, -1 by -2 इज नॉट इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, 5 by k होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 5 by k। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k इज नॉट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 × 5 क्या हो गया, 10। तो k मेरा क्या नहीं होना चाहिए सर, 10 नहीं होना चाहिए। अगर k मेरा 10 नहीं होगा तो ये लाइन्स दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 एंड 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 एंड kx प्लस 4y इज इक्वल टू 6 मीट एट ए पॉइंट। मतलब कि तीनों लाइन जो है सर एक पॉइंट पे मिल रही है। ये मानते कि क्या इस इक्वेशन का जो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या 5 है और ये इक्वेशन जो है मेरा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 है और जो तीसरा इक्वेशन है वो क्या kx प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 6 है। तो हमें क्या निकालना है, k निकालना कि जहाँ पे मीट कर रहा था k का क्या होगा कि तीनों एक पॉइंट पे मिले। तो मतलब कि इसका जो सोल्यूशन होगा सर x और y होगा ये पुट कर देंगे इसमें तो जहाँ पॉइंट पे मिलेगा वो आपका k का वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, वो सेटिस्फाई करना चाहिए, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा वहीं पे ये भी इंटरसेक्ट करेगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से 3x प्लस 4y क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। आप क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 में सेपरेट करते हैं, 2 से 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 5। नीचे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4y 5x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, एक कट गया, 4y माइनस 4y कैंसिल, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5x क्या आ गया सर, माइनस 2x आ गया। 5 माइनस 4 क्या गया आपका, 1 आ गया, मीन्स की एक्स मेरा क्या आ गया, एक्स मेरा माइनस हाफ आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय टू आ जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं, ए एक्स का वैल्यू जो आ रहा है वो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 बाय 2 हो जाएगा, प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया सर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 बाय 2 क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो y मेरा क्या आ गया सर, y मेरा क्या हो जाएगा, 13/8 आ गया, 4 नीचे चला जाएगा, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 क्या आ गया, 13/8 आ गया। x पता चल गया, y पता चल गया, तो हमें क्या निकालना है, k निकालना है। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में जाके पुट कर दे रहे हैं x और y का वैल्यू, तो k इंटू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ
माइनस हाफ प्लस प्लस फोर इंटू फोर इंटू क्या हो जाएगा थर्टीन बाई एट हो जाएगा सर, थर्टीन बाई एट हो जाएगा, थर्टीन बाई एट हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू सिक्स दिया हुआ है। क्या हो जाएगा ये थ्री टू जा एट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस के बाई टू हो जाएगा, माइनस के बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस के बाई टू प्लस थ्री बाई टू हो जाएगा, थर्टीन बाई टू हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या सिक्स हो गया सर, के बाई टू को उधर ले जाएगा तो क्या ले जाएगा प्लस में के बाई टू हो गया। इज इक्वल टू थर्टीन बाई टू तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस सिक्स में तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा के बाई टू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा टू थर्टीन माइनस ट्वेल्व, क्या हो जाएगा के बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू आ जाएगा। क्या हो जाएगा टू से टू कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू क्या गया सर वन आ गया, के का वैल्यू क्या होना चाहिए वन होना चाहिए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोलता है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। बोलता है कि टू डिजिट नंबर, मानते कि यूनिट प्लेस पे आपका क्या है सर, आपका यूनिट प्लेस पे मान लेते हैं एक्स है, ठीक है यूनिट प्लेस पे एक्स है, और हम मान लेते हैं टेंस प्लेस पे क्या है वाई है। मतलब कि इसको नंबर पर सजाए तो क्या हो जाएगा टेन इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। जो मेरा ओरिजिनल नंबर है ये है, टेंस प्लेस पे ए है सर टेंस प्लेस पे, और मेरा यूनिट प्लेस पे क्या है यूनिट प्लेस पे एक्स है। तो नंबर फॉर्म में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन वाई प्लस एक्स, टेन वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिफरेंस दोनों का डिफरेंस इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग द यूनिट प्लेस इंटरचेंजिंग द प्लेस, मतलब कि आप क्या वाई और एक्स था ना, तो वाई के प्लेस पे क्या कर देंगे आप एक्स कर देंगे, और एक्स वाला प्लेस में क्या कर लेंगे वाई कर देंगे सर। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा टेन एक्स, इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा टेंस के प्लेस वाला में क्या जाएगा एक्स, और आपका यूनिट प्लेस पे क्या चल जाएगा वाई चल जाएगा सर। मतलब क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, इंटरचेंजिंग नंबर ए बन जाएगा। दोनों का डिफरेंस करते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं तो टेन वाई प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस वाई, यही होगा। आप देखो ये यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन वाई प्लस एक्स माइनस टेन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन वाई में एक वाई चला गया तो क्या बचेगा सर नाइन वाई, और आपका x में माइनस टेन एक्स चला गया तो क्या बचेगा माइनस नाइन एक्स। आप क्या हो गया नाइन कॉमन आ गया, नाइन कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। तो आपके जो नंबर होंगे डिफरेंस कितना होगा वो नाइन का मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा कि कौन नंबर डिफरेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफरेंस बिटवीन ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो जो नाइन का मल्टीपल में नहीं होगा, यहाँ देखो नाइन इंटू वाई माइनस एक्स आया, मीन्स की नाइन का मल्टीपल होना चाहिए, जो नाइन का मल्टीपल होगा वो आपका डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो कौन डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा ये पूछा है, तो जो नाइन का मल्टीपल में क्या है 72 आता है तो ये वाला आपका होगा सर। 36 ना आता है नाइन का मल्टीपल में, आता है सर। 54 आता है, 54 आता है नाइन का मल्टीपल में। 48 आता है, नहीं आता है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। जो आपका नहीं हो सकता है मीन्स की दो डिजिट नंबर, और उसको जब नंबर को ऑप्टेन करते हैं इंटरचेंज करके, डिजिट को इंटरचेंज करके द्वारा, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालते तो कौन नहीं हो सकता है 48 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है 48 नहीं हो सकता है सर। क्या नहीं हो सकता है ऑप्शन डी, क्योंकि नाइन का मल्टीपल आ रहा है, नाइन का मल्टीपल में जो जो आएगा वो तो होगा, जो नहीं आएगा वही तो होगा, नहीं आपका 48 मल्टीपल में नहीं आ रहा था। क्या जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है क्या कि द पेयर ऑफ लेंस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन हैज नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन या टू सोल्यूशन। तो क्या करते हैं पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो वाई इज इक्वल टू जीरो ये लाइन हो गया सर, वाई इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो मेरा क्या a हो गया लाइन, y इज इक्वल टू जीरो a लाइन हो गया सर, y इज इक्वल टू जीरो मेरा कौन लाइन हो गया आपका x एक्सिस हो गया y इज इक्वल टू जीरो, और मेरा y इज इक्वल टू माइनस सेवन, माइनस सेवन क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस सेवन आएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस सेवन मेरा a लाइन हो गया, y इज इक्वल टू माइनस सेवन ए लाइन हो गया। आप देखो ये दोनों लाइन क्या है y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू माइनस सेवन क्या आ गया पैरेलल लाइन है सर, दोनों पैरेलल है तो इसका कोई सलूशन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू माइनस सेवन दोनों कैसा लाइन है
पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है तो इसका कोई सलूशन नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है इफ एक्स प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। बोलता है कि एक्स प्लस 3 आपका एक फैक्टर है किसका, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 का, और ए प्लस बी मेरा 7 दिया हुआ है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है सर। तो आपका एक्स प्लस 3 एक फैक्टर है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 जब इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर 0 आएगा, ये आपको 0 सेटिस्फाई करेगा, इसको क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस 3 रखते हैं, तो माइनस 3 का होल क्यूब प्लस ए इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा सर, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर मेरा क्या जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, क्या जाएगा, प्लस 6 आएगा, इजिकल टू क्या जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 27 आ जाएगा, माइनस 20, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऑड में माइनस आ रहा है तो माइनस का साइन माइनस में आएगा, और इवन रहा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आता है, ठीक है। फिर प्लस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 9, माइनस 3 का माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या जाएगा, 9, 9a आ गया सर। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3b आ जाएगा, प्लस 3b प्लस क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया सर, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आप 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b आपका 27 में 6 चला गया, तो क्या बचेगा आपका, 23 में 6 21, तो ये माइनस 21 बचेगा, इधर राइट साइड में लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 21। क्या करते हैं, 3 कॉमन निकाल देते हैं सर, 3 जैसे कॉमन निकालेंगे यहाँ क्या बचेगा, 3a, 3a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, 3a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, 3a प्लस b हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 सर, 21 हो जाएगा। तो 3a प्लस b, 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 21 बाय 7, क्या हो जाएगा, 21 बाय 7 हो जाएगा, 21 बाय 7 हो गया, तो 7 3 जा क्या हो गया, 20, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा 3, तो 3 7 जा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा सर। तो मतलब यहाँ 3a प्लस b, 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, कितना गया, 7 आ गया। तो यहाँ से लिख सकते क्या सर, 2a प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 7। आप देखो a प्लस b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 7 रखेंगे, तो 2a प्लस a प्लस b जगह पे क्या रख देंगे, 7 इज इक्वल टू 7। आप क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 7 माइनस a प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो a इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, a मेरा 0 आ गया। b कितना आएगा सर, b आप क्या करते हैं, a का वैल्यू जो है a प्लस b इक्वल टू 7 दिया है, तो वहाँ पे रखते हैं, a कितना 0 रखेंगे, प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, मीन्स की b क्या आ गया सर, मेरा 7 आ गया, मीन्स की a 0 होगा और b क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन b हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन b हो जाएंगे सर, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 आपका क्या बोलता है, 31 बोलता है इफ x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 देन दी वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, कि x माइनस y आपका 0 दिया हुआ है और 2x माइनस y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो अब मेरा आपका यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, तो x माइनस y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है सर, एक क्वेश्चन 1 मानते हैं, एक क्वेश्चन 2 मानते हैं, फिर क्या 2x माइनस y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, क्या करते हैं 1 माइनस 2 करते हैं, 1 माइनस 2 करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ए प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ए माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस वाई प्लस वाई क्या हो गया, कैंसल, x माइनस 2x क्या बचेगा, माइनस x बचेगा, 0 माइनस 2 क्या बचेगा, माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इजिकल टू क्या गया, 2 आ गया सर, x इजिकल टू 2 आ गया, x इजिकल टू मेरा क्या आ गया, 2 आ गया, x मेरा 2 आ गया। तो आप क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो 2 माइनस y इज इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया सर, 2 आ गया, मीन्स की x भी मेरा 2 होगा और y भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन b हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन b हो जाएंगे सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1
एंड के एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू सेवन हैव ए यूनिक सोल्यूशन। क्या है? यूनिक सोल्यूशन है। तो क्या होना चाहिए आपका k का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो क्या होता है सर यूनिक सोल्यूशन के लिए a1 वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 वन बाई बी टू, तब मेरा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे a1 कितना है सर 2, a2 कितना है सर a2 मेरा k है इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है सर माइनस 3 बाय b2 कितना है सर 5। आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 3 इंटू के माइनस 3 के। तो k इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या 10 बाय माइनस 3 मीन्स कि क्या लिख सकते हैं माइनस 10 बाय 3। के इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10 बाय 3। के क्या नहीं होना चाहिए 10 बाय माइनस 10 बाय 3 नहीं होना चाहिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज आर 3 एंड 5 माइनस 5, जिसका जीरोज क्या दिया हुआ है 3 और माइनस 5 दिया हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा? तो अल्फा कितना दिया हुआ है सर 3, बीटा क्या दिया हुआ है माइनस 5 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 हो जाएगा, क्या आ गया माइनस 2 आ गया, माइनस 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू माइनस 5 क्या गया माइनस 15 आ गया, क्या गया माइनस 15। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो इक्वेशन होता है अल्फा और बीटा के टर्म में ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है सर, अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर रख दिए माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का जगह पे क्या रखेंगे माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का जगह पे क्या रख देंगे माइनस 15 रख देंगे, माइनस 15 रख देंगे इक्वल टू जीरो। आप क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 2x हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस 15 हो जाएगा इक्वल टू जीरो इक्वल टू ए आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा सर। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 कोई दिखा ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो रिलेशन ऑफ द रूट निकाल लेना था पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उस बाद ये जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला में जाके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देते बाकी सॉल्व करके हमें इसका आंसर निकाल लेते सर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है आपका क्या इफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, कहाँ पे राइट एंगल सी पे राइट एंगल है, ए एंगल ए है ए एंगल बी है सर। आप क्या बोलता है देन दी वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो आपका क्या एंगल सी देखो क्या 90 डिग्री है तो ए प्लस बी एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी कितना 90 डिग्री हो गया, तो कॉस ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है सर जीरो होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत लल्लू क्वेश्चन था, हलवा था लल्लू था ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि इफ सेके प्लस 10a इज इक्वल टू एक्स, सेके प्लस 10a इज इक्वल टू क्या एक्स है तो आपका 10a क्या होगा ये हमें निकालना है सर। तो हमको पता है क्या सेक स्क्वायर ए इन माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए माइनस 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सेक ए प्लस 10a की जगह पे क्या रख सकते हैं एक्स, तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा सर सेक ए माइनस 10a इज इक्वल टू 1, तो सेके माइनस 10a सेके माइनस 10a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो सेके माइनस 10a निकाल दिए क्या हो गया 1 आपका क्या 1 बाई एक्स हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं सर। आप क्या करते हैं आपका 1 माइनस 2 करते हैं क्या हो जाएगा सेके प्लस 10a सेके प्लस 10a इज इक्वल टू क्या है x दिया हुआ है इज इक्वल टू x। और सेकेंड इक्वेशन क्या निकाले सेके माइनस 10a
इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, a माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, sec a प्लस में और माइनस में क्या हो गया, कट गया, tan a प्लस tan a क्या हो गया, 2 tan a हो गया सर, 2 tan a हो गया, इज इक्वल टू x माइनस 1/x हो गया। आप क्या लिख सकते हैं, tan a इज इक्वल टू, tan a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a मल्टीप्लाई करो a, आपका एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, मीन्स कि आपका यहाँ पे 2 था तो इधर आपका आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में 2 हो जाएगा, तो tan a बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई 2x। कोई दिखा आपका ऑप्शन सी दिखा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है f sin थीटा इज इक्वल टू रूट 3 इंटू cos थीटा, आपका जो थीटा होना चाहिए 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, देन थीटा इज इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं सर, sin थीटा cos थीटा, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो क्या जाएगा, डिवीजन में cos थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या जाएगा, रूट 3, इज इक्वल टू क्या जाएगा, रूट 3, sin थीटा बाय cos थीटा क्या लिख सकते हैं सर, tan थीटा, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, रूट 3 किसका होता है, tan थीटा के रिलेटेड में आपका tan 60 डिग्री का होता है, किसका होता है, tan 60 डिग्री का होता है, तो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या गया, 60 डिग्री, क्या गया, 60 डिग्री। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है एफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और थीटा जहाँ एक्यूट एंगल है, तो टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा क्या होगा, हमें निकालना है सर। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा माइनस, माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आप टेन थिट्टा, टेन थिट्टा प्लस कोट कोट थिट्टा, कोट थिट्टा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थिट्टा प्लस कोट स्क्वायर थिट्टा प्लस टू इंटू टेन थिट्टा, टेन थिट्टा इंटू कोट थिट्टा, टेन स्क्वायर थिट्टा प्लस कोट स्क्वायर थिट्टा की जगह पर क्या रखेंगे, टू रखेंगे सर, और फिर टू इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, वन होता है, टू इंटू वन क्या हो गया, वन हो, टू हो गया सर, तो टू प्लस टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, यहाँ पे स्क्वायर था इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट क्या जाएगा, टू प्लस टू क्या, फोर, स्क्वायर रूट फोर किसका होता है, टू का होता है, किसका होता है, टू का, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या आ गया, टू आ गया सर, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या आ गया, टू आ गया, ठीक है, टू आ गया। आप देखो टेन क्यूब प्लस कॉट क्यूब थिट्टा, टेन क्यूब प्लस कॉट क्यूब थिट्टा क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका टेन थिट्टा प्लस कॉट थिट्टा का होल क्यूब, का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू टेन थिट्टा इंटू कॉट थिट्टा, कॉट थिट्टा इंटू टेन थिट्टा प्लस कॉट थिट्टा, टेन थिट्टा प्लस कॉट थिट्टा, तो आपका ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा टू का क्यूब, टू का क्यूब क्या हो जाएगा, टू का क्यूब हो जाएगा माइनस थ्री, थ्री इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, वन होता है, इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या निकाले भी, टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या निकाले, टू निकाले सर, तो यहाँ से हो जाएगा टू का क्यूब क्या है, एट, एट माइनस थ्री इंटू टू क्या हो गया, सिक्स, तो क्या हो जाएगा, एट माइनस सिक्स क्या आ गया, टू आ गया सर, तो टेन क्यूब थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा क्या आ जाएगा, आपका थ्री आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए हो जाएंगे, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, समझ आ गया, क्या कौन फॉर्मूला यूज किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला में यूज कर लिए, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, कौन इसमें गलत है, ए में छाटना है, तो टेन थीटा जो है सर वो कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैल्यू हो सकता है, फिर आपका ए क्या, अब आपका साइन थीटा का वैल्यू ए आपका जीरो से माइनस वन से वन तक ही होता है, माइनस वन से वन तक ही होता है क्लोज इंटरवल में, तो क्या साइन थीटा आपका थ्री नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का वैल्यू जो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू है वो हमेशा माइनस वन से वन तक ही रहता है, याद रखना, साइन थीटा हो या कॉस थीटा माइनस वन से वन तक, माइनस वन से वन तक होता है, उससे बड़ा नहीं होता है सर, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन गलत है, बी गलत है,
भी गलत है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है आपका क्या, 39 आपका बोलता है कि एफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ ए बी क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ ए बी आर रिस्पेक्टिवली। कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ दे दिया गया है और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ दे दिया गया है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा हमें ए बताना है सर, ए और बी का। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या, साइन 30 होगा, साइन 30 होगा, साइन से साइन क्या हो गया कैंसल, ए माइनस बी इक्वल टू क्या गया सर, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, ए माइनस बी इक्वल टू क्या गया 30 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, वन मान लेते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, तो हाफ किसका होता है कॉस 60 का होता है, किसका होता है कॉस 60, तो कॉस से कॉस कैंसिल, ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस बी इक्वल टू मेरा आपका 60 डिग्री आ गया सर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आप क्या करते हैं 1+2 को करते हैं क्योंकि बी मेरा कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, इसीलिए तो दोनों को ऐड करते हैं तो क्या जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। आप क्या हो जाएगा, ये 2 ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए प्लस ए 2a इज इक्वल टू 30+60 क्या हो गया 90 हो गया सर। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2 क्या हो जाएगा 45 टू जा क्या हो जाएगा 90, तो कितना गया a आपका 45 डिग्री आ गया। कोई दिखा a वाला, कौन दिखा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसी तरह मार सकते हैं। आप क्या करते हैं b भी निकाल के दिखा देते हैं, तो a माइनस b क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस b, माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। आप b को इधर ले जाते तो क्या हो जाएगा, b पॉजिटिव में हो जाएगा और आपका क्या 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, क्या बचा 45 में 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा 15 डिग्री, क्या बचेगा 15 डिग्री, क्या दिखा ऑप्शन सी दिखा सर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपका बोलता है क्या कि एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2√2 कॉस थीटा दिया हुआ है, देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, ये हमें निकालना है सर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस थीटा दोनों साइड को स्क्वायरिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2√2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 2 cos² θ, 2 cos² θ आ जाएगा। आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे देखो, 2 cos² θ को इधर ले आते हैं, 2 cos² θ को इधर ले आएंगे, ठीक 2 cos² θ को इधर ले आएंगे, 2 cos² θ तो cos² θ प्लस sin² θ क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1+2 sin θ 2 sin θ इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरा 2 cos² θ हो जाएगा सर, इज इक्वल टू 2 cos² θ हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos² θ हो जाएगा। आप 2 sin θ 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 cos² θ 2 cos² θ माइनस 1 लिखेंगे। आप क्या करते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या क्या रखेंगे, 1 रखेंगे सर, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और 1 माइनस 2 2 और साइन थीटा 2 sin θ इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे आपका
2 cos square theta क्या रखेंगे, माइनस वन रखेंगे। अब क्या होगा 2 को क्या हो जाएगा, आप देखो वहां से ध्यान से देखना, 1 माइनस 2 cos square theta हो गया माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या गया 2 आ गया सर, 2 - 2 cos square theta हो जाएगा, 2 cos square theta हो जाएगा, 2 cos square theta हो जाएगा। तो यहाँ से क्या 2 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 - cos square theta, 1 - cos square theta। तो 1 - cos square theta को क्या लिख सकते हैं, 2 sin square theta लिख सकते हैं सर, 2 into 1 - cos square theta क्या लिखते हैं, sin square theta लिख सकते हैं, क्योंकि sin square theta plus cos square theta क्या होता है, 1 होता है। तो आपको cos square theta इक्वल क्या लिख सकते हैं, sin square theta लिख सकते हैं। तो cos theta minus sin theta का होल स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा इधर ले जाएंगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 sin square theta हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और sin square theta को स्क्वायर रूट पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका sin theta हो जाएगा। मतलब cos theta minus sin theta क्या आ गया, रूट 2 sin theta आ जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर। तो समझ में आया, तो यहाँ से हमें क्या 2 cos theta + sin theta इक्वल टू रूट 2 cos theta दिया हुआ है, यहाँ से स्क्वायरिंग करके 2 sin theta into cos theta का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से ए निकालने बाद cos theta minus sin theta को स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने बाद इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, फिर वहाँ से 2 sin theta into cos theta का जो वैल्यू दिया हुआ है वो जाके वहाँ पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आपका cos theta minus sin theta इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2 sin theta आ जाएगा सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है आपका क्या, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/4, tan थीटा कितना दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 3 sin theta + 4 cos theta / 3 sin theta - 4 cos theta क्या का होल स्क्वायर क्या होगा, हमें ये बताना है सर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करते हैं आप cos theta कॉमन ले लेते हैं, तो cos theta कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, cos theta बाहर आ गया, क्या बचेगा 3 into sin theta / cos theta, क्या sin theta into cos theta बचेगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 10 theta प्लस क्या हो जाएगा 4 बाय, ये नीचे में भी cos theta कॉमन ले लेंगे, cos theta जैसे कॉमन निकालेंगे सर तो नीचे क्या हो जाएगा sin theta, 3 into sin theta / cos theta, sin theta / cos theta क्या हो जाता है 10 theta हो जाता है, 10 theta माइनस क्या हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर सर। आप क्या हो गया cos theta से cos theta कैंसिल हो गया, आप क्या लिखेंगे 3 into tan theta का जगह पे क्या रखेंगे 5/4 रखेंगे प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा 3 into tan theta का जगह पे क्या रखेंगे 5/4 रखेंगे सर, 5/4 रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा माइनस फोर का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 5 थीटा क्या हो गया 15 by 4 हो गया प्लस क्या हो गया 4 हो गया बाय क्या हो जाएगा बाय आपका 15 by 4 माइनस क्या हो गया 4 हो गया का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 का एलसीएम लेंगे 4 यहाँ पे 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16 बाय 15 4 × 4 = 16 लेकिन क्या हो जाएगा -16 बाय क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। आप देखो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 15 + 16 क्या हो गया 31 बाय 15 - 1 क्या हो गया -1 आ गया का होल स्क्वायर हो जाएगा सर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर यहाँ पे आगे जो है 31 - 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस 31 स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 31 का स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 आपका बोलता है क्या कि 2 men and 7 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days कि 2 men and 7 boys मिल के एक काम को कितना 4 दिन में करते हैं, फिर 4 men and 4 boys कैन डू दी सेम वर्क इन 3 days
अब चार आदमी और चार बॉय मिलके वही काम को कितना 3 डेज में कर लेता है। देन दी नंबर ऑफ डेज ए बॉय टेक्स टू कंप्लीट दी सेम जॉब, तो वही जॉब को एक आदमी एक बॉय करने में कितना दिन लगाएगा वो हमें बताना है। तो फॉर मैन, मानते कि मैन जो है सर एक्स डेज में एक काम को करने में कितना लगा रहा है, एक्स डेज लगा रहा है। तो वही आदमी एक दिन में कितना काम करेगा सर, कितना करेगा वन बाय एक्स करेगा। फिर वही फोर वाई कितना करने में लगा रहा है सर, वाई जो है एक्स डेज में वाई डे में, मानते कि वाई डे में ये एक काम को ख़त्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में ये वन बाय वाई वर्क करेगा। अब क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपके दो मैन और सेवन बॉयज, तो दो मैन क्या एक दिन में कितना करेगा, टू बाई आपका एक्स वर्क, प्लस जो हो जाएगा प्लस सेवन बॉयज है तो सेवन बॉयज एक दिन में कितना काम करेगा, सेवन बाई वाई करेगा। एक बॉय एक दिन में कितना काम करेगा वन बाई वाई, तो सेवन बॉय कितना करेगा, सेवन बाई वाई। दोनों का समेशन एक दिन का अगर निकालेंगे तो एक काम को करने में ये चार डेज में एक वर्क काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा दोनों मिलके, ये आपका हो जाएगा 1/4। तो दोनों का समेशन क्या हो जाएगा सर, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये 8 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 8 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 1/x प्लस 7/4 क्या हो जाएगा, 28 × 1/y हो जाएगा, 1/y = 1। इसको इक्वेशन क्या मानते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, फोर मैन और फोर बॉयज वो वर्क को करने में कितना 3 दिन लगाती है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 4/x + 4/y एक दिन के लिए निकाल रहे हैं, तो चार आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 4/x और चार आदमी, ठीक है, और चार बॉय कितना करेगा, 4/y। दोनों का समेशन एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या जाएगा आपका, 4 × 12 = 1/y इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। आप क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को, ठीक है, हाँ क्या करते हैं, टू कॉमन निकालते हैं तो ये क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को हम क्या 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 8 जा आपका क्या हो जाता है सर, 96 1/x हो जाता है प्लस आपका 28 × 12 28 × 2 = 56 और 28 क्या हो जाएगा आपका, 6 उतर गया, 8 × 5 = 13 क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 3 336 हो जाएगा सर, 336 1/y हो गया, एज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 12। और क्या कर रहे हैं, वन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक को इक्वेशन वन को 12 से मल्टीप्लाई किए, इक्वेशन टू को 8 से मल्टीप्लाई किए, क्या कर रहे हैं, वन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से, 1 − 2 कर रहे हैं सर, तो क्या हो जाएगा, 12 8 = 96 1/x प्लस आपका क्या हो जाएगा, 12 8 = 12 8 क्या हो गया आपका, 12 8 = 96 1/y = 8 आ गया। आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा। ये अब क्या, 96 1/x - 96 1/x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाय आपके 36 में 96 1/y चला गया, तो कितना बचेगा आपका, 6 में 6 गया तो 0, 13 में 9 गया तो 4 आपका आपका 3 में वो 2 में 0 गया तो क्या, 2 = 1/y 1/y = आपका क्या बचेगा यहाँ सर, 12 में 8 गया तो क्या बचा, 4 बचा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/y = क्या हो गया आपका, 4 बाई
फोर बाई टू फोर्टी हो गया, फोर बाई टू फोर्टी हो गया। तो फोर वन जा फोर और फोर सिक्स जा सिक्सटी, सिक्सटी जा तो क्या हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। मीन्स कि आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया सर 60 डेज। मीन्स कि आपका जो वैज है एक वैज एक काम को करने में क्या लगाएगा कितना दिन 60 डेज लगाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करना था, यूनिटी मेथड से सॉल्व करना था सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है आपका क्या कि इन एन एग्जामिनेशन वन मार्क इज अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। कि आपका पॉलिटेक्निक में भी है कि एक क्वेश्चन आप सही करते तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, और अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो आपका एक बाई फोर मार्क्स क्या किया जाएगा डिडक्टेड कर लिया जाएगा, आंसर काट लिया जाएगा रॉन्ग के आंसर के लिए। तो इफ ए स्टूडेंट गेट्स 90 मार्क्स, अगर स्टूडेंट कितना पा रहा है 90 नंबर मार्क पा रहा है एंसरिंग 120 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन वो कर रहे जवाब दे रहा है वहाँ पे 120 में, तो उसका मार्क्स मिल रहा है कितना 90। तो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड सी करेक्ट आंसर करेक्टली, तो वो कितना आंसर सही देती है वो हमें पता करना है। तो मानते कि जो करेक्ट आंसर वो दे रही है सर करेक्ट कितना है x है, और रॉन्ग क्वेश्चन कितना है रॉन्ग जो आंसर दे रही है वो कितना है वाई है। अब एक्स प्लस वाई दोनों क्वेश्चन मिला के दोनों का आंसर गलत और सही जवाब कितना देती है 120 क्वेश्चन बना के आती है, एग्जाम में 120 क्वेश्चन बना के आती है। लेकिन उसको एक आपका करेक्ट मार्क्स के लिए कितना एक नंबर दिया जाता है, क्या हो जाएगा 1 × x आपका, फिर आपका माइनस, ठीक है प्लस आपके क्या एक मार्क्स काट लिए जाते हैं, कितना 1/4 मार्क्स काट लिया जाता है, ठीक है 1/4 मार्क्स आपका क्या काट लिया जाता है। तो x मार्क्स लाए प्लस क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहां से दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा करेक्ट आंसर करेक्ट जो नंबर ला रही है करेक्ट नंबर वो कितना ला रही है सर करेक्ट नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट नंबर इज इक्वल टू 1 × x। आप क्या हो जाएगा रॉन्ग नंबर जो इसको कट जा रहा है रॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसका डिडक्टेड मार्क्स हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है y/1/4 × y। जितना क्वेश्चन करेगी तो वो क्या नेगेटिव नंबर मिलेगा, दोनों का डिफरेंस करेक्ट नंबर माइनस रॉन्ग नंबर क्या हो जाएगा आपका x - y/4 इज इक्वल टू कितना आपका मिल रहा है 90 नंबर, कितना मिल रहा है 90 मार्क्स मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4x - y इज इक्वल टू क्या हो गया 360 आ गया सर, कितना आ गया 360 आ गया। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन टू मान लेते हैं, प्लस वाई है माइनस वाई है, क्या करते हैं इक्वेशन वन और टू को जोड़ते हैं, वन प्लस टू करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x + y = क्या आ गया 120 आ गया सर, 120 आ गया आपका 4x - y इज इक्वल टू क्या आ गया इज इक्वल टू आपका क्या 360 आ गया, 360 आ गया। तो y से y कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल, आप क्या हो गया यहाँ पे 5x + 4x क्या गया 5x आ गया सर इज इक्वल टू 120 + 360 क्या हो गया आपका 480 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 बाय क्या हो गया आपका 5 हो जाएगा सर, आप डिवाइड करेगा कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 9 × 6 का कितना हो गया 96, मतलब कि आपका जो वो सही जवाब देंगे सही क्वेश्चन जो करेगा कितना करेगा 96 क्वेश्चन सही करेगा। तो हाँ मैंने क्वेश्चन डिड सी आंसर करेक्टली x माने थे सर, तो कितना हो जाएगा 96 और 120 में 96 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 24 क्वेश्चन वो क्या करता है गलत आंसर देती है सर, ठीक है 24 वो गलत आंसर देती है और 96 वो सही करेक्ट करती है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है इफ एक्स इजिकल टू ए sin थीटा वाई इजिकल टू बी tan थीटा देन ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे एक्स के जगह पे ए sin थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर जगह पे क्या रखेंगे ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर जगह के वाई की जगह पे क्या रखेंगे बी tan थीटा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा,
बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या जाएगा 1/sin²θ, 1/sin²θ क्या जाएगा cosec²θ आ जाएगा, क्या जाएगा cosec²θ, माइनस 1 - tan²θ, 1/tan²θ क्या लिख सकते हैं cot²θ लिख सकते हैं सर। तो cosec²θ माइनस cot²θ क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, cosec²θ माइनस cot²θ क्या पढ़ोगे फॉर्मूला 1 + cot²θ इज इक्वल टू क्या होता है cosec²θ होता है, क्या होता है cosec²θ होता है। तो cosec²θ माइनस cot²θ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स आर इन दी रेशियो 3:7, तो एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल्स आर इन दी रेशियो, तो एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल क्या साइड के क्या हो जाता है साइड के रेशियो के स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाएगा 3² / 7², तो क्या हो जाएगा आपका 9/49, कोई दिख रहा है ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी, क्योंकि अगर साइड का रेशियो दो सिमिलर ट्रेंगल का साइड का रेशियो दिया हुआ है 3:7, तो एरिया का जो रेशियो हो जाएगा सर उनके एरिया ट्रेंगल्स के एरिया का रेशियो हो जाएगा साइड्स के, क्या करो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर कर दो वही हो जाएगा, तो साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3² / 7², क्या हो जाएगा 9/49 हो जाएगा, 9/49 हो जाएगा, 9:49, कोई दिखा ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 आपको बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 46 आपको बोलता है द आर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ 40 वैल्यूज इज 65, क्या हुआ कि आर्थमेटिक मीन जो है 40 वैल्यूज का कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है सर, इफ द 40 वैल्यूज इज इंक्रीज्ड बाय, तो सभी वैल्यू में क्या करते हैं ईच वैल्यू में 5 आपका इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, देन द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ द वैल्यू, तो न्यू सेट ऑफ द वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो मीन में अगर सर कोई भी ऑब्जर्वेशन में आप ईच वैल्यू में 5 इंक्रीज करते हैं, जितना एक्स मानो कि एक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो मीन में भी क्या हो जाता है वर्ल्ड मीन, न्यू मीन जो होता है वर्ल्ड मीन में जितना आप इंक्रीज कर रहे हैं उतना प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपके न्यू मीन जो हो जाएगा 65 प्लस क्या हो जाएंगे 5 इससे इंक्रीज कर रहे तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर 70। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपका बोलता है क्या कि द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएट वैल्यूज 3, 4, 6, 7, 8, 14 फ्रॉम देयर मीन, तो पहले क्या करते हैं मीन निकाल लेते हैं सर, मीन निकालने के बाद क्या करेंगे डेविएशन का सम निकालना है, डेविएशन क्या होता है डेविएशन बराबर आपका होता है डेविएशन बराबर होता है x माइनस x मीन होता है। ठीक है, तो इसका फिर क्या करना है समेशन करना है, तो x बार मेरा मीन क्या हो जाएगा सर 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + क्या हो जाएगा 14 भाई क्या हो जाएगा कितना है 6, क्या हो जाएगा आपका ये आपको ऐड करोगे 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 14 क्या आ जाएगा सर 42 आ जाएगा, 42 में क्या है 6 हो गया, तो आपका मीन क्या आ जाएगा 6 × 7 = 42 क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, क्या जाएगा 7 आ जाएगा, आपका मीन कितना आ गया 7 आ गया, तो आपका यहाँ पे डेविएशन जो होगा सर क्या हो जाएगा आप डेविएशन एक्स माइनस आपका मीन करना है डेविएशन निकालने के लिए, तो पहले क्या आ जाएगा 3 - 7 क्या आ गया -4 आ गया सर, -4 आ गया, फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका 4 - 7 क्या गया -3 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 6 - 7 क्या गया -1 आ गया, फिर तीसरा चौथा क्या हो जाएगा 7 - 7, डेविएशन निकालने के लिए क्या होता है x - x बार। ठीक है, तो 7 - 7 क्या हो जाएगा सर इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा आपका 7 - 7 क्या हो गया 0, अब क्या 8 - 7 हो जाएगा x - x बार, तो 8 - 7 इज्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, फिर आपका क्या 14 है ना 14 - क्या करेंगे 7 क्या गया 7 आ जाएगा, तो आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 - 3 - 1 क्या हो जाएगा यहाँ से -8 आ जाएगा सर, -8 और 7 + 1 क्या गया +8, दोनों का 8 + 8 - 8 क्या गया 0 आ गया सर, क्या गया 0, क्या दिखा ऑप्शन सी दिखे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है 10 × 1 × 10 × 2 × 10 × 3 · 10 = 99, तो इसका विमान क्या होगा हमें निकालना है सर, आपका क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 × 1 × 10 × 2 × 10 × 3 इतना कौन कैलकुलेशन करेगा, तो 10 90 89 + 1 क्या बन रहा है 90, 2 और आपका 88 यहाँ 88 होगा क्या बनेगा 90, 3 + 87 क्या बन रहा होगा 90। ठीक है, तो ये आपका बन रहा होगा
ए बन रहा होगा सर, और कहीं फिर आपका कितना 89, टोटल कितना आएगा आपका 45 टन, 1045। फिर क्या आ जाएगा बीच में, क्या आएगा एक 1045 आएगा, क्या आएगा 1045, और 1045 का वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। बीच में कहीं 1045 आएगा ना, 1045 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 1 और 1089 कितना हो जाएगा, इसके बदले 1 होगा। फिर 10 2 इंटू 1088 कितना हो जाएगा आपका, इसका बदले ये देखो दोनों का सम कितना 90 आ रहा है ना, इसके बदले 1 हो जाएगा। फिर 10 3 इंटू 10 फिर क्या हो जाएगा 87 क्या हो जाएगा, इसका बदले भी 1 होगा। इसी तरह 101 बीच में क्या आएगा सर, 1045, और 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 क्या करेंगे तो क्या जाएगा, 1 ही आएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका बोलता है क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल व्हिच 1 0 इज -5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 0 इज 0। मींस के मानो कि एक जीरो आपका जीरो दे दिया गया, कितना दिया है -5 दिया हुआ है सर, -5 दिया हुआ है, और बीटा क्या आर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे दिया, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है आपका 0, तो मतलब कि -5 इंटू बीटा क्या जाएगा 0, तो बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा 0 बाय -5 क्या हो गया 0, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया सर, बीटा इज इक्वल टू मेरा 0 आ गया, बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो एक जीरो जो मेरा क्या -5 है, और बीटा दो अदर 0 क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा आपका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -5 प्लस 0 क्या आ गया -5 आ गया। फॉर्मूला जो आपका होता है आपके अल्फा प्लस बीटा के टर्म में वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना है सर -5 है इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 0, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस फाइव एक्स हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस फाइव एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपका बोलता है क्या कि द वैल्यू ऑफ m सो डैट 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इज डिविजिबल बाई x माइनस 3, तो इज एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ m क्या होगा कि आपका एक डिविजिबल क्या है x माइनस 3 से, तो x इक्वल टू क्या होगा 3 फैक्टर होगा सर, 3 क्या करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 0 करेगा, तो एग्जैक्ट डिविजिबल क्या होगा, मीन्स की जो आपका m का वैल्यू होगा ये किसका डिविजिबल होगा, किससे डिवाइडेड हो जाएगा वो हमें बताना है, समझ में आ गया। तो 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू x स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर माइनस 6 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा m इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि x अगर एक इंडिविजुअल है तो x आपका क्या फैक्टर है, जब इसको पुट करेंगे इसमें तो क्या है इक्वेशन को 0 बनाएगा, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9 इंटू 4 क्या हो गया 36 माइनस 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा सर माइनस m इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो 36 माइनस 18 क्या गया 18 आ गया, 18 माइनस m इक्वल टू क्या गया 0, तो m इक्वल टू क्या गया 18 आ गया सर, m इज इक्वल टू क्या आ गया 18 आ गया, तो 18 किसका डिविजिबल है, 18 का डिविजर कौन है, 18 किससे डिवाइड हो सकता है 9 से, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो m ये मत खोजने लगा कि 18 कौन है, तो इसका डिवाइजर क्या होता है डिवाइडेड इनटू डिवाइजर, तो मीन्स कि ये आपका 18 किससे डिविजिबल है, एग्जैक्ट डिविजिबल किससे है वो बताना है, तो किससे डिविजिबल है सर 9 से डिविजिबल है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए कि 2018 का पेपर बहुत ईजी पूछा गया था और आपके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हर साल, इसलिए आप प्रीवियस ईयर को जरूर देख के जाएं। थैंक यू।